नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हम हैं सीएलसी इंस्टीट्यूट में, जहां जेई के रिजल्ट्स आने के बाद जेई में अच्छा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही उनके रिव्यूज़ दूसरे बच्चों को बताए जा रहे हैं, ताकि वो भी सीख सकें कि टॉपर्स कैसे बनते हैं, क्या अलग करते हैं टॉपर्स के, जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं और लाइफ में ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस कर पाते हैं। इसके साथ ही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का क्या इम्पोर्टेंस स्टूडेंट की लाइफ में होता है, इसके बारे में भी यहाँ बात की जा रही है। कोचिंग के अंदर जो कैंप लगे थे, जो सुबह से शाम रात तक हम कैंप में पढ़ते थे, वो सबसे बढ़िया थे। तब कई कोचिंग वालों के आगे से ऊपर भी है कि हमारी कोचिंग में आ जाओ, लेकिन फिर लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हम सीएनसी में आएंगे, क्योंकि मेरी बहन यहाँ से नीट की तैयारी करके और सिलेक्ट होकर बैठी गई हुई थी। जनवरी अप्रैल में जेई मेन होता है, वहां रैंक कौन सी है? 27,000 है और एडवांस में 4,500 है। ऐसा भी किया जा सकता है, विश्वास होना चाहिए। तो ये चलते हम भी कुछ टॉपर्स से बात करते और उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा खास किया जिसकी वजह से आज वो मंच से साथ ही स्टूडेंट्स को भविष्य में अच्छा करने की सलाह दे रहे हैं। मेरा नाम संदीप बुनकर है, मैं सीएलसी में टारगेट कोर्स ज्वाइन किया है, मैं जयपुर में रहता हूँ और मेरे 62 नंबर आए और 2400 रैंक है मेरी। सीएलसी में हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सपोर्ट मिला टीम सीएलसी का और जो टीचर्स का गाइडेंस है उनसे हमें काफ़ी अनुभव मिला। मेरा नाम सोहिल सांगवाना है, मैं पिलानी से बिलोंग करता हूँ और मैंने सीएलसी को 11th क्लास से ज्वाइन कर लिया था और मेरा सीएलसी के साथ बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मेरे जे एडवांस में 120 मार्क्स आए हैं और मेरी रैंक 4800 आई है। जय सीएलसी। मैं सीएलसी में 12th से हूँ और इस बार मेरा स्कोर 118 है और मुझे सीएलसी पे गर्व है कि उनकी वजह से मेरा स्कोर इतना अच्छा है। नमस्ते, मेरा नाम मनीष चौधरी है, मैं खाटू श्याम जी से हूँ। मैं 11th से सीएलसी के साथ जुड़ गया था, मेरा स्कोर 145 है और मेरे को सीएलसी मैनेजमेंट और सीएलसी टीचिंग स्टाफ ने काफ़ी मेहनत करी है मेरे ऊपर और मैं मेरा श्रेय, सारा सफलता का श्रेय सीएलसी के मैनेजमेंट को, टीचर्स को और मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ। मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं चूरू से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ सीएलसी में 11th क्लास में आई थी और मेरा 12th में अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ तो मैं टारगेट में मैंने ज्वाइन किया और 12th में मेरे एडवांस में 75 मार्क्स थे और अभी 110 मार्क्स बने हैं। मेरा नाम मोनिका है, मैं यहाँ पे क्लास 11th में आई थी और 12th के साथ मेरा स्कोर 45 था, जो टारगेट में 101 है। अभी हमारे साथ हैं इंजीनियर श्रवण चौधरी। सर, आज हमने देखा जेई के रिजल्ट्स का सेलिब्रेशन हुआ, पूरे ओवरऑल रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा स्कोर किया? देखो दिनेश जी, ओवरऑल रिजल्ट पे जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आदमी बढ़ा या कॉन्स्टेंट रहा या नहीं बढ़ा, ये डिसाइड करता है कि लास्ट में आपका रिजल्ट क्या था, आज रिजल्ट क्या है, कि आपकी संस्था का बढ़ने का प्रमाण पत्र आप खुद ही होते हैं। तो मुझे कहते हैं बहुत खुशी होती है, लास्ट ईयर हमारे जेई एडवांस में ओवरऑल नो कैटेगरी ओवरऑल 10,000 की रैंक में 4 बच्चे थे, आज बढ़ के 12 बच्चे हुए, यानी 3 गुना बढ़े। और उन 4 बच्चों में डियर 12वीं का एक बच्चा था, इस बार ये जो 12 बच्चे 10,000 में आए, इन 9 बच्चे 12वीं क्लास के साथ हैं। आगे चलें, हमारे पास लगभग 700 बच्चा था जिसने जेई का अपीयर हमारे पास हुआ, उन में से करीब 350 बच्चा हमारा अपीयर हुआ, मतलब क्वालिफाइड हुआ एडवांस के लिए, बट उनमें करीब 350 बच्चे आस पास था, 100 बच्चा उसमें वो था जो जेई एडवांस के, मतलब जेई मेन क्वालिफाइड हो गया था बट एडवांस का चांस नहीं था। तो जेई एडवांस के लिए करीब करीब 250 के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे, जिनमें 60-65 बच्चा एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो चुका है। तो जेई का रिजल्ट बहुत शानदार है। आप देखा होगा कि हमारी मेहनत की देन है कि एक लड़का हमारा रविंद्र नाम का, जिसकी मेन की रैंक 24,000, इस साल मेंस की रैंक 24,000 है, एडवांस में रैंक 4,000 लाया है। प्रशांत मीणा हमारा मेंस का टॉपर नहीं था बट एडवांस का टॉपर हो गया। इन लास्ट के 3 महीने जिस पर टीम ने काम किया, मैराथन नाम का कॉन्सेप्ट हमने लगाया था, उसकी देन है। प्रशांत आप देख रहे हैं, ये 9, 10, 11, 12 से हमारे पास पढ़ रहा है, इसकी 6ठी रैंक है स्ट्रीम में, बॉम्बे सीएस इसको मिल जाएगा। इस बार मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, पिछले 29 साल से पहला सेशन है जिसमें हर रिजल्ट ने हमें खुशी दी है। नहीं, कहीं ना कहीं कई बार कोई ना कोई रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाता था, रिजल्ट सब जेई मेन का आया था। 2023 में अबाउ 98% 17 बच्चे थे, इस बार 64 हुए, हम बढ़े 4 गुना। फिर रिजल्ट आया नीट का, तो आपको पता है कि 700 से ऊपर हमारे 65 बच्चे हैं, जिन 43 बच्चे क्लासरूम के हैं, 22 बच्चे टीएस के हैं। फिर आगे चलें 2021-22-23 में नीट में तीनों साल मिला के पहले 1000 में हमारा 24 बच्चा था, इस बार 25 में मेरी भाषा में दे बचीड हमने 25 कर दिया। 3,500 की रैंक में हमारा लास्ट 23 बच्चा था, वो बढ़ के 110 हुआ, वो 5 गुना हुआ। तो जेई मेन हम हुए 4 गुना,
जे एडवांस हुए 3 गुना, नीट हुए 5 गुना, और बात यही ख़त्म नहीं होती है। फिर केवीएम की बात करें, रिजल्ट आया 12th साइंस का, हमारी 3rd रैंक स्टेट में, रिजल्ट आया आर्ट्स का, हमारी 1st रैंक है, 10th का रिजल्ट आया, हमारी 4th रैंक है। यानी केवीएम का 3 स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स और 10th, तीनों स्टेट मेरिट है। इस बार हर जो रिजल्ट आया उसी की देन है, मुझे कहते बहुत खुशी हो रही है। आज 10 जून को हमारे लास्ट ईयर के जो एडमिशन थे उसको लगभग हम डबल पे टच करने जा रहे हैं, वो चाहे हमारे जयपुर ब्रांच हो, चाहे हमारे अलवर ब्रांच हो, बिकॉज इस बार लॉन्च किया है, एक अच्छा रिस्पॉन्स है, ये सब नाथ जी की मेहर है। बच्चे जब अच्छा स्कोर करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट को और अपने टीचर्स को उसका क्रेडिट देते हैं। आपने जो हर तरह के फील्ड में आपने जो अच्छा स्कोर किया है, पहले से ज़्यादा बेहतर दिया है, इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? मैं केवल और केवल उस पेरेंट, बच्चे के पेरेंट्स के विश्वास को, किसी का दादा, किसी की दादी, किसी की मामा, किसी की मौसी, किसी का चाचा, किसी का पिता, किसी का भाई, जब खेत में बैठ के, ड्राइंग रूम बैठ के, किसी अपने घर के आंगन में बैठ के फैसला करते हैं कि जिगर के टुकड़े को श्रवण को सौंप के आना, वो विश्वास ही है साहब। जो बिस्तर बांध रहा होता है कि श्रवण को इस बच्चे को देके आएंगे, विश्वास जीतता बाकी सब सेकेंडरी है साहब। देनहार कोई और है, देवत है दिन रहन, लोग भ्रम हम पे करें तासो नीचे नैन, हम सब बात की बातें। अच्छी टीम, अच्छा मैनेजमेंट तब है ना जो विश्वास करके आपको अपना जिगर टुकड़े को सौंप के जाएगा भाई। अभी इन बच्चों का तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे अलग अलग जगहों पे जिनका स्कोर इस बार बहुत अच्छा नहीं रहा, ऐसे बच्चों को आपका क्या मैसेज है? थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, इसका एक वीडियो अपलोड भी किया मैंने सोशल मीडिया पे। देखो भाई, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन घबराएं नहीं, लास्ट ईयर हमारे बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए मेडिकल में, वापस लगे, ओजुल होच आज जो टॉप कर रहे हैं। ऐसे आईटी की बात करें, आपने देखा फंक्शन में बहुत से बच्चे पिछली बार आईटी क्वालिफाइड तो थे, अच्छी रैंक नहीं थी, वापस लगे। तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ, सपना आपका मेडिकल में जाने का और आईटी में जाने का है तो आपको एक साल वापस तैयारी करनी चाहिए। फिर बात आती है इसमें दिनेश जी आर्थिक की, तो मैं आपके बताऊँ माध्यम से, हमारे जो आईटी बच्चा क्वालिफाइड हो चुका है एडवांस के लिए, उसका रहना खाना सब फ्री हमारे यहाँ। अच्छा, मेडिकल में जो बच्चा 630 पार कर चुका है उसका रहना खाना सब फ्री है, 620 पे कोचिंग तो फ्री है ही, हॉस्टल, मतलब कहने का अर्थ है कोई भाव से आएगा ना तो 580 नंबर का नीट का स्कोर, 98 परसेंटाइल जेई मेन का, या एडवांस क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके लिए सीएलसी गेट खोल के बैठी है। और दिनेश जी, हो सकता है आपको लगे या सुनने लगे कि साहब आपकी हिस्सा मार्केटिंग का है, तो मैं आपको कहना क्यों मार्केटिंग नहीं है, मैं एकमात्र संस्था का डायरेक्टर हूँ सीकर में जिसने इस साल अपने हॉस्टल फीस कम की है, जबकि रिजल्ट में लास्ट बेटर है। इससे तो कम नहीं किया हमने, रिजल्ट खराब हो गए, रिजल्ट 4 गुना है, फिर भी लास्ट हमें लगा कि अरे 1500 रुपया ज़्यादा हॉस्टल का, मेरे पिता ने कहा कि यार श्रवण 1000 रुपये के ज़्यादा लग रहा मेरे को, मैंने 1000 रुपया कहीं 1500 रुपये कहीं के 2000 कम किए। सीकर में सब कोचर फीस बढ़ाई है, हमारी फीस लास्ट ईयर वो 1,05,000 थी, आज 1,05,000 है। कहते नहीं साहब, सीएलसी जीती है बच्चे के लिए, सीएलसी का सपना है गुदड़ी के लाल को आगे बढ़ाना, झोंपड़ी बैठी खोपड़ी को आगे बढ़ाना। हम प्रतिभाओं को तलाशते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, गार्जियंस कहते हैं, बच्चे कहते हैं। बहुत धन्यवाद। आपने सुना इंजीनियर श्रवण चौधरी को, बताया कि किस तरीके से जेई के रिजल्ट्स में नहीं बल्कि हर स्ट्रीम में रिजल्ट्स को पिछली बार की तुलना में और ज़्यादा बढ़ाया है, और ये गार्जियंस के विश्वास का नतीजा है। जैसे कि हमने आज जेई के टॉपर्स से बात की, उन्होंने बताया कि कैसे किसी ने खेत में बैठ के, किसी ने अपनी बहन के एक्सपीरियंस से, किसी ने अपने भाई के एक्सपीरियंस से सीख कर सीएलसी को चुना, सीएलसी के सिस्टम पर भरोसा किया, और उसी का परिणाम है कि आज हमने उन बच्चों को अपने परिवार के साथ यहाँ सम्मानित होते हुए देखा। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी जो भी राय हो, प्रतिक्रिया हो, वो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर साझा कीजिएगा। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।